तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं सुबह के 8 बज चुके हैं, बस ब्रश करके खाना वाना खा के जाते हैं ड्यूटी पर। वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। हाँ यार, बस कोई खास गुजरता नहीं है दिन, अच्छा वीडियो बन पाता इसलिए शायद कोई देखता भी नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी, चलते हैं फिर। ज़्यादा समय नहीं मिलता है, क्या करें। घुसने के बाद सिर्फ रात में निकलना होगा, कहाँ से बनाएंगे वीडियो। जो भी बना पाते हैं बन डाल देते हैं। चलिए फिर आप लोगों से फिर दोपहर में मिलते हैं जब लंच होगा। अभी खाना खा रहा हूँ यार, दाल चावल बनाया। रोज सुबह का यही रहता है इसका दाल चावल। कौन रोटी बनाएगा इतना बहुत झंझट वाला काम होता है। मुझे तो दाल चावल पसंद है, बहुत पसंद है। अभी बचपन से खा खा के बड़ा हो गया ना, इसलिए मेरा ये मुँह दाल चावल। गर्मी में जाता तो अभी मैं कहता मुझे दाल चावल बना दो या दाल रोटी बना दो, खा लेता। कोई दूसरा बना के देता ना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी दाल चावल खुद ही बनाओ, खुद खाओ, ठीक है, क्या करें। खा ले। तो भाई अपना तड़का आ गया है कढ़ाई में, और इधर रोटी बना रहे हैं बबलू भाई, और अपना मसाला भी तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल लाल हो चुका है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। सब्जी बनाने में मैं मास्टर हो चुका हूँ, क्योंकि 10 साल से मैं बना रहा हूँ, अब इतना तो सीख ही जाऊँगा। ये देखिए अपना आलू मटर है, गोभी को पहले ही फ्राई करके रख लिया है। फ्राई करने से और असम मज़ा आता है खाने में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी आज। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। देखिए अपनी सब्जी, बस इसको ढक देते हैं और गैस की आंच को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अच्छा अच्छे से पक जाए। और देखिए सब्जी अपनी पक गई है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें गोभी डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखी थी, और ये धनिया, थोड़ा और स्वाद तो बढ़ जाएगा। और इधर ही अपना दूध तैयार हो रहा है, बस तैयारी समझिए, बस उबल जाए एक बार। और ये टन टन अपना खाना रेडी हो गया है। ये दूध रखा है अपना, रोज़ शाम को दूध ज़रूर पीता हूँ। एक तो दूध गर्म गर्म पीने से अच्छी नींद आती है, तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना।